हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस पेपर 48 सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो 2011 का है। तो डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट में इसको 48 नंबर पर रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 4 दैट फॉलो। तो फर्स्ट नंबर पे अनसीन पैसेज है यहाँ पे, जो हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, अदरवाइज मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सो इन आवर अप्रोच टू लाइफ, बी इट प्रैग्मेटिक और अदरवाइज, अ बेसिक फैक्ट दैट कन्फ्रंट्स अस स्क्वायरली एंड अनमिस्टेकेबली इज द डिजायर फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस मेक अप टीमिंग डेनिजेंस ऑफ दिस अर्थ ऑफ आवर्स, एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू द हायर ग्रुप्स सच एज ह्यूमन बींग्स और टू द लोअर ग्रुप्स सच एज एनिमल्स। ऑल बींग्स प्राइमरली seek peace, comfort and security. Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Even the lowliest insect strives for protection against dangers that threaten its life, just as each one of us wants to live एंड नॉट टू डाई, सो डू ऑल अदर क्रिएचर्स। सो पैसेज में दिया गया है कि कैसे एक छोटी क्रिएचर भी अपनी लाइफ को उतना ही इम्पोर्टेंट मानती है जैसे कि कोई ह्यूमन बींग या कोई बड़ा क्रिएचर। सभी को अपनी लाइफ प्यारी होती है, सभी को अपनी लाइफ में पीस और प्रोटेक्शन पसंद होती है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन वन, द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट। तो ऑथर का इसमें मेन पॉइंट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ, बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, सी पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ लिविंग बींग्स, एंड डी इवन द वीकेस्ट क्रिएचर स्ट्रगल्स टू प्रिजर्व इट्स लाइफ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, peace and security are the chief goals of living beings. जितने भी living beings हैं, whether they are small or they are big creature, means चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, human beings हों, animals हों, सबकी life का सिर्फ chief goal क्या होता है, life में peace हो, शांति हो, security हो, ये उनकी life के chief goals होते हैं। Second question, which one of the following assumptions or steps is essential in developing the author's position? So all forms of life have a single overriding goal, b they will to survive of a creature is identified with a desire for peace, c all beings are divided into higher and lower groups, and d a parallel is drawn between happiness and life and pain and death. So the correct option will be B here, they will to survive of a creature is identified with a desire for peace. Question number 3, the word denizens in the passage implies. तो जो पैसेज में जो वर्ड दिया हुआ है डेनिजेंस, तो इसका हमें मीनिंग बताना है यहाँ। सो एलियंस, डिफेक्टर्स, इनहेबिटेंट्स और विजिटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, इनहेबिटेंट्स, क्योंकि जो डेनिजेंस है इसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है सिटीजन से और इनहेबिटेंट्स से। क्वेश्चन 4, द ऑथर प्रेज्यूम्स दैट एनिमल्स आर superior to human beings, inferior to human beings, equal to human beings or all of the above. तो according to author animals क्या हैं, वो human beings से superior हैं, inferior हैं या उनके equal हैं।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर इक्वल टू ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग की तरह ही उनके भी लाइफ के चीफ गोल होते हैं पीस एंड सिक्योरिटी। अगेन एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ, 5 से 8 क्वेश्चन तक हमें सोल्व करना है इसमें। सो द मार्टर्स हु लेड डाउन दियर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री हैड अ लोफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर, दे वॉन्टेड द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल स्लेवरी एंड बॉन्डेज, दे वॉन्टेड एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज वुड लिव इन परफेक्ट हारमोनी एंड इन विच देयर वुड बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल। तो ये जो पैसेज है ये मार्टियर के ऊपर दिया हुआ है जो शहीद हो जाते हैं देश की फ्रीडम के लिए, उनके लिए दिया गया है कि कैसे वो लोग अपने देश की शांति के लिए, अपने देश की फ्रीडम के लिए कैसे अपने जीवन को न्योछावर कर देते हैं, और वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाली जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो क्या है, वो परफेक्ट हारमोनी से आपस में मिलजुल कर रहें, इक्वलिटी के साथ रहें। देयर वुड बी नो हाई क्लास नो लो क्लास, ना यहाँ पे कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो। द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइप्ड आउट कम्प्लीटली, और जो छुआछात वगैरह है यहाँ पे अनटचेबिलिटी है वो सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो वुमन वुड इंजॉय इक्वल राइट्स विद मैन एंड कॉन्ट्रीब्यूट दियर फुलेस्ट टू द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट नेशन, सच अ विजन वाज इन कीपिंग विद द एंशियंट ग्लोरी ऑफ द कंट्री रिनाउंड फॉर इट्स स्प्लेंडेड अचीवमेंट्स इन लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर। We must now revitalize this ancient culture of ours with tolerance as it is masthead. If we forget or cease to take pride in our noble heritage, we shall have to face severe indictment in the court of history, which is a ruthless judge and seldom spares the एरिंग पीपल। तो यहाँ पे बताया कैसे जो मार्टियर्स होते हैं, जो शहीद होते हैं, कैसे अपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ डेवलप हो, या यहाँ पे सभी जो वर्ग हैं वो इक्वलिटी के साथ रहे, ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, अनटचेबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और जो वीमेन हैं उनको भी मैन की तरह ही बराबर राइट मिले और वो भी अपना रोल अपने देश की डिवेलपमेंट में दें। ये पैसेज का थीम है यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। The martyrs who died for the freedom of India wanted, जो शहीद होते हैं जो अपने देश के फ्रीडम के लिए मर जाते हैं वो क्या चाहते थे इंडिया से, क्या चाहते थे। The country to be strongest nation in the world, B the country to rule over the other nations, C the country to be free from slavery, and D the people to give up their antiquated customs. So question number 5, the correct option will be C here, the country to be free from slavery, कि दास्ता से जो इसको पूरी तरह से फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, किसको, अपनी देश को। क्वेश्चन नंबर 6, the martyrs wanted that, so martyrs क्या चाहते थे यहाँ पे, so there should be reservation in the jobs for the backward sections of the society, B there should be perfect communal love and peace in the country, C the old caste system should be retained in the future, and D the women should look after their families only. So question number 6, the correct option will be B here, there should be perfect communal love and peace in the country, कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में परफेक्ट कम्युनल लव रहे और आपस में शांति रहे। क्वेश्चन नंबर 7, वी मस्ट स्ट्राइव विद टोटल कमिटमेंट टू ए डिफीट एंड ओवरकम द एनिमीज ऑफ द नेशन, बी रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, सी इंजेक्ट साइंटिफिक टेम्पर इन टू अवर पास्ट कल्चर, एंड डी मेक साइंटिफिक एडवांसमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी
बिहेवियर, रिवाइटलाइज अवर रिच पास्ट कल्चर. क्वेश्चन नंबर 8, अवर फ्रीडम फाइटर्स एंड विजन दैट इन फ्री इंडिया. तो क्या सपना देखा है उन्होंने अपने फ्री इंडिया के बारे में, क्या वो चाहते थे? देयर शुड बी एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, बी वेमेन वुड इंजॉय हायर प्रिविलेजेज एंड राइट्स देन अदर्स, सी द कंट्री वुड बी टेकन फॉरवर्ड बाई सम सिलेक्टेड क्लासेस ऑफ सोसाइटी, एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड ऑक्यूपाई टॉप प्रायोरिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, देयर शुड बी एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. देन क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे फिलअप हमें देखने हैं, फिलअप फॉर्म में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो बीच डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट परफॉर्म प्रिफ्रेंसिस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आर ऑल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट. तो ओनली, नॉट ओनली, ओनली डू एंड कैन ओनली. तो देखिए कितना ईजी है, यहाँ पे दिया हुआ है बट ऑल्सो. तो हमें पता है बट ऑल्सो के साथ कौन सा पेयर होता है, नॉट ओनली. सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, नॉट ओनली. क्वेश्चन नंबर 10, जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. अब देखिए जुपिटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं. और इसमें से कोई भी वर्ब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इज ही यहाँ पे वर्ब है. तो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 11, वेन सुगर डैश टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर. मैं यहाँ ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो. आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के और तब इसका आंसर दीजिए. सो व्हेन सुगर इज एडेड, तो यहाँ देखिए अगेन वर्ब आ गई है यहाँ पे इज एडेड, और ये हमारा पैसिव वॉइस में है. व्हेन सुगर इज एडेड टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस. क्वेश्चन नंबर 12, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट. सो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए आप. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, नो ग्रेटर देन. द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट. ये देखिए दैट ऑफ का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ही दिया हुआ है, नो ग्रेटर देन. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 13, एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशन. तो वेरियस कंडीशन के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हो जाएगा, अंडर, अंडरनीथ, ब्लो और बीनीथ. सो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, अंडर, अंडर वेरियस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ऑन रिएक्टिंग विद, रिएक्टिंग टू, रिएक्ट्स विद और इज रिएक्टिंग विद. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, रिएक्ट्स विद. तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो आई होप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे आप, और बाद में आपका कितना स्कोर हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. सो क्वेश्चन नंबर 15, द सैटुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश इज अ फैक्टर इन हार्ट डिजीज. सो इट इज टू बी दे आर और एज बीइंग. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, टू बी. द सैटुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट टू बी अ फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 16, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री
as they can work on large jobs faster and more precise and तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे डोंट एज इजीली टायर डोंट टायर मोर इजीली डोंट टायर इजीली एंड डोंट टू इजीली टायर सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी डोंट टायर इजीली क्वेश्चन नंबर 17 मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सोइल डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड सो एज लॉन्ग एज श्योर दैट अबव ऑल और ऑफ नेसेसरी सो वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर एज लॉन्ग एज मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सोइल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडेड सो क्वेश्चन नंबर 18 मैनेजमेंट मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज सो यहाँ देखना है सूटेबल ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर टू बी डिफाइंड इट इज डिफाइंड डिफाइनेबल और कैन बी डिफाइंड सो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज Then next question, here we have to find the error. In the following sentences, identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be corrected. Yes, हमें यहाँ पे error find out करना है. So 19 question, although we are no longer young, we still enjoy to study languages. सो कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे सो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल इंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेज तो यहाँ पे डी पार्ट में एरर है क्या एरर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज 20 क्वेश्चन बिफोर द 1920s साइंटिस्ट used to think an immobilized muscle would become weaker so here b option is correct b part mein error hai to before the 1920s scientist to yahan pe past ki baat hui hai to yahan pe used to ka use na hokar ke used to ka use hoga okay so yahan pe b part mein error hai 21 question nuclear waste has traditionally been stored in steel drums what are subject to rust so the correct option will be b here yahan pe what nahi lagega ye conjunction yahan pe wrong hai then question number 22 the immune system is the body's way of protecting itself against viruses so the correct option will be b body's way of protecting 23 question originate in Ethiopia coffee was drunk in the Arab world before it came to Europe So 23, the correct option will be A here, originate in Utopia. इस पार्ट में एरर है क्यों क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस में दिया हुआ सेंटेंस है तो यहाँ पे ओरिजिनेट के प्लेस पे ओरिजिनेटेड हो जाएगा 24 question, Amsterdam is a town who is sometimes referred to as the Venice of Northern Europe because of its canals. तो यहाँ देखिए 24 क्वेश्चन इसके ए पार्ट में एरर है ए पार्ट ये वाला है इसका इसमें एरर है एम्स्टर्डम जो क्या है एक टाउन है और जो हु का यूज होता है वो हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए होता है या लिविंग थिंग के लिए होता है तो यहाँ पे एम्स्टर्डम जो टाउन है उसके लिए यहाँ पे जो कंजंक्शन का यूज है ये रॉन्ग है तो हमारे बी पार्ट में एरर है सॉरी ए पार्ट में एरर है
who is sometimes. 25 question. The sea wasp releases a poison that kills a person in 3 minutes. तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, kills a person. Then 26. Halley's comet approaches the earth close to be visible every 75 years. So 26 question, correct option will be here, close to be. देन द मीनिंग ऑफ यूथेंसिया, तो यूथेंसिया का यहाँ पे मीनिंग बताना है, मर्सी किलिंग, मर्डर, असैसिनेशन और एट्रोसिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, मर्सी किलिंग. देन 28. एकम्प्लाइस मीन्स, एकम्प्लाइस का मीनिंग बताना है, तो एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर और एनिमी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, एसोसिएट इन क्राइम. तो जब कोई पर्सन जो कोई क्रिमिनल होता है तो उसके उसका जो साथ देता है उस क्राइम में, उसका कोई दोस्त है या जो भी पर्सन है, तो उसको बोलते हैं एकम्प्लाइस. 29 क्वेश्चन. द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनोमी और ऑटोगैमी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, ऑटोनोमी. 30 क्वेश्चन. वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, तो जो भी मतलब पूरी तरह से बिल्कुल कोई किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, एल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता है, उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट, क्लेप्टोमैनिक, टीटोटलर और टोटलिटेरियन. सो 30 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, टीटोटलर. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो किसी भी तरह का नशा नहीं करता है कैसे याद रख सकते हैं, वो टी पीता है, तो टीटोटलर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 31 क्वेश्चन. द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नोन एज, तो जो आर्ट है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की, उसको क्या बोलेंगे, कार्नेज, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी और एनेस्थीसिया. सो 31 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, कैलीग्राफी. 32 क्वेश्चन. मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर, तो नेचर के द्वारा जो भी कोई मिसफॉर्च्यून होता है या किसी भी तरह का डैमेज होता है, सो दैट इज नोन एज कैलामिटी, फैकेड, पेन्योरी और फर्टिलिटी. सो 32 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा. देन 33 क्वेश्चन. दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटीरियल रेदर देन डिस एडवांसमेंट, तो इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और वर्ल्डली. सो 33 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, स्पिरिचुअल. तो ऐसे जो सेंटेंस है उसमें डोंट बी कन्फ्यूज, ज़्यादातर हमें ऑपोजिट वर्ड फिल करनी होते हैं. जैसे यहाँ पे ये मटेरियल आ गया है, तो मटेरियल का जो ऑपोजिट है दैट इज स्पिरिचुअल. 34 क्वेश्चन. ओनर एंड डेस अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन, तो प्लेजर, रेपुटेशन, सेम और प्रोग्रेस. 34 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर. अब यहाँ पे ओनर का जो ऑपोजिट है दैट इज सेम. गेटिंग एंड डेस विल वेस्ट आर पार्स, क्राइंग, स्पेंडिंग, स्लीपिंग और ईटिंग. तो गेटिंग का जो अपोजिट है दैट इज स्पेंडिंग. तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस्ट आर पार्स. तो देखिए ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम से ली गई है. कौन सी पोएम है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बिना कहीं पे देखे. 36 क्वेश्चन. देयर इज बोथ स्कार्सिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो यहाँ पे स्कैरसिटी आया है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा,
डेफिसिट अट्रैक्शन प्लेंटी और टोलरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी प्लेंटी. 37 क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. तो फिलअप फॉर्म है, यहाँ देखते हैं क्या आएगा. सो इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम. सो राइटिंग राइट्स रोट एंड राइट. तो देखिए जो ये इफ वाले सेंटेंस है वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और इसमें अगर यहाँ पे सेल राइट आया है मींस एक तरफ अगर हमारा सिंपल फ्यूचर है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इधर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. तो इफ ही राइट्स. 38 क्वेश्चन द चाइल्ड वाज डैश ब्लाइंड. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी बॉर्न. द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड. 39 क्वेश्चन आई विल इंट्रोड्यूज यू डैश माई बॉस दिस वीक. तो इंट्रोड्यूज के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर टू. आई विल इंट्रोड्यूज यू टू माई बॉस. देन 40 क्वेश्चन आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर. तो एसोसिएटेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन फिल करेंगे हम यहाँ पे. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर एसोसिएटेड विद. देन 41 क्वेश्चन दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ. तो यहाँ पे कन्फर्म के साथ हमें प्रेपोजिशन फिल करना है, तो कौन सा प्रेपोजिशन फिल हो जाएगा. टू दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म टू एनी लॉ. देन 42 क्वेश्चन द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज. तो रिवर कहाँ फ्लो होती है, ब्रिज के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ पे. सो 42 क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी अंडर. तो ब्रिज के नीचे, जैसे ब्रिज है तो उसके ठीक नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस. आई डैश माई कार 3 weeks अगो. तो 3 weeks अगो यहाँ पे आ गया है, मीन्स हमें पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो इसमें देखिए वॉशिंग पास्ट टेंस नहीं है, विल हमारा फ्यूचर टेंस है, सेल फ्यूचर टेंस है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो आई वॉश्ड माई कार 3 weeks अगो. देन 44 क्वेश्चन जोनाथन इंसिस्टेड ऑन डैश आउट. इंसिस्टेड जो होता है, इंसिस्टेड ऑन के साथ हम कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे वर्ब. सो 44 क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर गोइंग. तो इंसिस्टेड ऑन के साथ हम हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. देन 45 क्वेश्चन ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश इन द क्लास. तो प्रिवेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर स्मोकिंग. ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास. 46 क्वेश्चन यू बेटर डैश हिज परमिशन. सीकिंग सीक टू सीक और टू हैव सोट. सो 46 क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर सीक. क्योंकि जो बेटर है, बेटर के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, तो इन्फिनिटिव होते हैं हमारे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जिसमें हम टू को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव. तो बेटर के साथ हमारा बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, तो हमने सीक लगा दिया है यहाँ पे. देन 47 क्वेश्चन सी वाज सीन डैश द हाउस. तो एंटर एंटर्ड हैविंग एंटर्ड और एंटरिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी एंटरिंग द हाउस, घुसते हुए. ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. देन 48 क्वेश्चन डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट्स. तो टू बी हंट हंटिंग अ हंट ऑफ और हैविंग हंट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर हंटिंग. हंटिंग टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट. अब देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने हंटिंग का यूज किया है. हंटिंग टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट. देन चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द.
अगर घर में जैसे हमारे जो वाटर पाइप्स होते हैं वो कहीं से लीक हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम किसको बुलाते हैं? कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, प्लम्बर। देन 50 क्वेश्चन, एज आई हैड हर्ट माई आई, आई हैड टू गो टू, अगर हमारी आईज में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम किसके पास जाते हैं? सो साइकियाट्रिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ओक्यूलिस्ट और आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट होता है बिल्डिंग बनाने वाला, साइकियाट्रिस्ट क्या होता है जो नर्व्स का जो इलाज करते हैं वो वाले डॉक्टर होते हैं, वो मेंटली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे जो हार्ट का इलाज करते हैं, और ओक्यूलिस्ट क्या होते हैं जो हमारी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर एंड ओक्यूलिस्ट। 51 क्वेश्चन, द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, डरे हुए एनिमल्स का जो एकदम से जो सडन रनिंग होती है, अचानक से जो भागना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्टैम्पेड, अलूफ, फिएस्टा और आइडियलाइज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, स्टैम्पेड। 52 क्वेश्चन, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, सो दोपहर में लंच करने के बाद जो छोटा सा एक नैप लेते हैं या छोटी सी नींद की जो झपकी लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? आइडियलाइज, बैरियो, सिएस्टा और स्लीप वॉकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, सिएस्टा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। 53 क्वेश्चन, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर, अब देखिए हम हमेशा की तरह इसको सॉल्व करेंगे, हैव नॉट स्टैम्प्ड, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द लेटर, तो हमें द लेटर से स्टार्ट करना है और इसकी जो पैसिव वॉइस होगी उसमें हम हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए द लेटर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? दे तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो 3 ऑप्शन रह गए हैं। तो द लेटर इज नॉट, इज नॉट का यूज हुआ है, ये अलग हटा दीजिए। द लेटर हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। द लेटर हैज बीन स्टैम्प्ड इज रॉन्ग, वाई? क्योंकि हमारा नेगेटिव में है तो हमें इसको भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा। सो 53 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर। देन 54 क्वेश्चन, अ जैपनीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, तो इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए अ जैपनीज फिल्म्स, जो जैपनीज फिल्म है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेक्स हमारा वर्ब है और दीज टेलीविजन सेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और मेक्स में जहाँ एस या ई एस लगता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम, एज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दीज टेलीविजन सेट्स, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ हमें आर का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ देख लेते हैं, टेलीविजन सेट्स मेक दीज जैपनीज फिल्म, ये एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव में चाहिए, इसको अलग हटा देते हैं। दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड, तो मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड बाय अ जैपनीज फिल्म, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 55 क्वेश्चन, नो बडी हैज यूज दिस रूम फॉर एजेज, तो हैज यूज ये क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नो बडी हैज यूज दिस रूम, तो दिस रूम हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दिस रूम हैज नॉट बीन यूज फॉर एजेज, दिस रूम हैज बीन यूज फॉर एजेज, नो बडी यूज दिस रूम फॉर एजेज एंड फॉर एजेज नो बडी हैज यूज दिस रूम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, दिस रूम हैज नॉट बीन यूज फॉर एजेज, क्योंकि ये जो ऑप्शन है हमारा जो सेंटेंस है 55, ये हमारा नेगेटिव में है। अब आप बोलेंगे इसमें नॉट का तो यूज हुआ नहीं है, नेगेटिव में कैसे है? तो जो नोबडी है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो हमें इसको नेगेटिव में ही चेंज करना है, तो हमने हैज नॉट का यूज किया है यहाँ पे, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। 56 क्वेश्चन, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो यहाँ पे कांट का यूज हुआ है, मॉडल वर्ब है ये यहाँ पे, और दिस लॉक क्या है हमारा यहाँ पे? दिस लॉक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन ए वी डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस लॉक, बी नोबडी कैन रिपेयर दिस लॉक, सी
योर लॉक कांट बी रिपेयर कैन बी रिपेयर एंड डी योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड। सो यहाँ देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है दिस लॉक, तो वी कांट रिपेयर दिस लॉक। तो यहाँ पे देखिए योर लॉक कैन बी रिपेयर, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको अलग हटा देते हैं। योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देन डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इंडिकेट फॉर ईच सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन। Although they are 250 miles apart, they keep each constant contact on the internet. तो ये बताना है हमें ये कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहाँ ये ऑल्दो का यूज हुआ है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देन 58 क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ प्रिंट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं अच्छे से इसको पढ़ देती हूँ, आप सुन लीजिए। रीता लव्स टू गो टू द बेंच एंड स्पेंड हर डेज सनबाथिंग। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और नन ऑफ द अबव। सो 58 क्वेश्चन, इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है उन्होंने सिंपल सेंटेंस बताया है इसको, और मुझे लगता है यहाँ पे जैसे एंड आया है तो ये कंपाउंड सेंटेंस होना है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग, तो मे बी यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो बात कही हुई है इसलिए सिंपल बता दिया हो, लेकिन जहाँ एंड का यूज होता है और दो वर्ब यहाँ पे यूज हुई हैं, यहाँ पे लव्स और यहाँ स्पेंड, तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो कंपाउंड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन प्रैक्टिस सेट में ए दिया है सिंपल सेंटेंस। सो 59 क्वेश्चन, टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। तो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 60 क्वेश्चन, जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। सो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन सी, सिंपल सेंटेंस, और इस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूँगी क्योंकि जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ और ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक, तो इसका सिंपल सेंटेंस मुझे तो ये नहीं लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका फिर से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में ही जाना चाहिए था। तो इसके आपको क्या लगता है इसका आंसर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बाकी मैं इसके बारे में सर्च करूँगी और अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर सिंपल सेंटेंस नहीं है तो मैं इसको मैसेज में पिन कर दूंगी। सो 61 क्वेश्चन, द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज, तो डिसएग्रीमेंट का यहाँ हमें सिनोनिम बताना है, तो चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, डिसेंट, डी आई डबल एस ई एन टी, डिसेंट। 62, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स, तो डिस्टिंग्विश्ड का हमें सिनोनिम बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, एमिनेंट। 63 क्वेश्चन, शोइंग रिस्पेक्ट, तो शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, तो शोइंग रिस्पेक्ट को क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव और रिसेप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर, रिस्पेक्टफुल। देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो क्योंकि ये टाइम हमारा रिवीजन का है और हमें एक एक चीज़ पे ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस जल्दी जल्दी सब चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज एल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 64 सी, इल्यूजन। 65 क्वेश्चन,
विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, तो एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें यहाँ पे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, ए डबल डी आर ई डबल एस, और बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये दोनों स्पेलिंग सेम है यहाँ पे. तो या तो आपने ए ऑप्शन लगाया है या बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे. 66 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप. तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारे सेंटेंसेस पढ़ लीजिए, इसको हमें पंचुएट करना है. सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से ये सेंटेंस. तो 66 का ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. माय फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माय अंकल कोमा रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. देन 67 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस. अगेन आपको वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, मैरी हैज ऑफर टू कोच द टीम दिस ईयर, हाउ एवर द कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज इंटेंस. 68 क्वेश्चन, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, तो किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोटेशन, कोनोटेशन, डिनोटेशन और डिग्रेशन. सो 68 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, डिनोटेशन. जो किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसको हम डिनोटेशन बोलते हैं, और जो उसका छुपा हुआ कोई भावात्मक मीनिंग होता है या कोई अदर मीनिंग निकलता है उसको हम कोनोटेशन बोलते हैं. देन 69 क्वेश्चन, एलिप्सिस रेफर्ड टू, तो एलिप्सिस का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, ओमिशन ऑफ वर्ड्स. जब भी हम कोई सेंटेंस या कोई लाइन लिख रहे होते हैं और बाद में उसमें जो हमें कुछ वर्ड्स जो बीच में ओमिट करने होते हैं तो हम इस तरह से डॉट लगा देते हैं, तो ये हमारा एलिप्सिस कहलाता है. देन 69 क्वेश्चन, 69 ही था, 70 क्वेश्चन, सो यूजिंग सॉफ्टवेयर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस. तो कोई भी हार्श वर्ड होते हैं जिसे किसी को हर्ट हो सकता है या जो किसी को बुरे लग सकते हैं, उन वर्ड्स के प्लेस पे हम किसी सॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म, यूफिज्म, एसोनेंस और रेसोनेंस. सो 70 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, यूफेमिज्म. 71 क्वेश्चन, द सेवन लाइन स्टैंजा यूज बाय मेडिवियल पोइट इज नोन एज, तो जो सेवन लाइन जो स्टैंजा होता है उसको हम क्या बोलेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, राइम रॉयल, और इसको हम चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है दैट इज ए बी ए बी बी सी सी. 72 क्वेश्चन, एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ, तो एलिजीज और सोनेट्स होते हैं ये किसके टाइप्स होते हैं, एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज एंड डी पोएम्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, पोएम्स, तो ये पोएम्स के टाइप्स होते हैं. 73 क्वेश्चन, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है लिटरेचर में, हु द मेन कैरेक्टर इज, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, हु इज टेलिंग द स्टोरी एंड डी द ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, हु इज टेलिंग द स्टोरी, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू. 74 क्वेश्चन, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, तो फिक्शन में जो ऑथर्स का ओवरऑल मेन आइडिया होता है या इम्पोर्टेंट मैसेज जो वो कन्वे करता है दैट इज कॉल्ड प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग और थीम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, थीम. 75, रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं सिमिलर उनको जो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो बिगिनिंग में यूज किया जाता है उनको क्या बोलेंगे, एसोनेंस, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रोफे और सिमली. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, एलिट्रेशन.
76 क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपस में विरोधाभासी होती है लेकिन एक तरह से वो किसी सच को उजागर करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरनी, पैराडॉक्स, ओनोमेटोपोइया और सिमली। 76 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, पैराडॉक्स। 77 क्वेश्चन, अ स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। तो जो स्टोरी किसी हैप्पी एंडिंग से जो ख़त्म होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रेजिडी, फार्स, कॉमेडी और सटायर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, कॉमेडी। 78 क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि यदि मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया तो मैंने तुम्हें अ मिलियन टाइम्स उस बात को बोल दिया। सो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबल, टोन और सटायर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, हाइपरबल। 79 क्वेश्चन, अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइन्स और फोर लाइन्स ऑफ अ पोम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट। तो फोर लाइन्स की जो यूनिट होती है एक पोम में उसको क्या बोलेंगे, कपलेट, हाइकू, क्वाट्रेन और लिरिक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या होता है, फोर लाइन स्टैंजा होता है। 80 क्वेश्चन, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, एनालॉजी, एपिथेट, एलिगरी और फॉइल। सो 80 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, एपिथेट। देन 81 क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिक्यूलस एंड ओफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार फेस्ड सिचुएशंस। सो फार्स, पैरेबल, फेबल और सेंटिमेंटल कॉमेडी। सो 81 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, फार्स। 82 क्वेश्चन, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। सो सिंबल, इमेजरी, एफोरिज्म और सिमली। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, इमेजरी। 83 क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ट, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो जितना बताना चाहिए उससे भी कम उसका मीनिंग बताती है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी, ऑक्सीमोरन, अंडरस्टेटमेंट और लिसोटीस। तो 83 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, अंडरस्टेटमेंट। तो एम्बिग्विटी क्या होती है, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे द्विअर्थक, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे उसके लिए क्या यूज होता है, एम्बिग्विटी यूज होता है। ऑक्सीमोरन विरोधाभासी चीज़ों के लिए यूज होता है, ओपोजिट वर्ड्स के लिए। लिसोटिस में क्या होता है, किसी भी बात को नेगेटिव वे में बोला जाता है पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए। और किसी बात को अंडर एस्टिमेट करके बोला जाता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अंडर स्टेटमेंट। 84 क्वेश्चन, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या बोलेंगे इसको, पर्सोनिफिकेशन, एनेक्डोट, एसाइड और इंटीरियर मोनोलॉग। सो 84 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, एनेक्डोट। 85 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गैल्सवर्दीज प्लेज, तो गैल्सवर्दी का कौन सा प्ले नहीं है इसमें, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइव एंड जस्टिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, द सिल्वर स्पून, क्योंकि ये सिल्वर स्पून क्या है, एक नोवल है, इनकी ट्रायलॉजी में भी आया है ये द सिल्वर स्पून, और बाकी सब प्ले हैं। 1906 में आया है, स्ट्राइफ 1909 में आया है और जस्टिस 1910 में आया है। देन 86 क्वेश्चन, डेथ इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज, तो गाल्सवर्दी के प्लेज की जो थीम थी वो ज़्यादातर क्या थी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। 87 क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल है वो किस चीज़ के लिए रिमार्केबल है, तो इट्स
स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, बी इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, सी इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ द अबव. देन 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गालसवर्थ दी ट्रायलॉजी. तो गालसवर्थ दी की ट्रायलॉजी से कौन सा बिलोंग नहीं करता? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तीनों जो गालसवर्थी की ट्रायलॉजी है और जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नोवल है. तो ये फोरसाइट सागा का फर्स्ट नोवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर. देन 89 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट विन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. इन सभी राइटर्स में से किसने नोबल प्राइज नहीं जीता है लिटरेचर के लिए? तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, जेम्स जॉयस. 90 क्वेश्चन, जॉन गैल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर. तो जॉन गैल्सवर्दी का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1867. तो 14th अगस्त 1867 में इनका बर्थ हुआ था. 91 क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न. तो जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन गैल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था 1867 और इनकी जो डेथ हुई थी 1933 में हुई थी. और जो जॉन मिल्टन है इनका बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 और इनकी जो डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674. 93 क्वेश्चन, इन विच वन क्वेश्चन इज मिसिंग हेयर आई थिंक. यस, 92 क्वेश्चन, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न. तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था वो प्लेस बताना है हमें, कहाँ पे हुआ था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, लंडन. 93 क्वेश्चन, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मीथोट आई सो माई लेट स्पाउज सेंट. तो ये जो लाइन है ये बताना है उन्होंने किसके लिए लिखी थी. तो ये दो तरह से ये क्वेश्चन आता है. तो ये लाइन उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के लिए लिखी थी. और कैसे याद रख सकते हैं? MKE. एम से मैरी पोवेल, के से कैथरीन वुडकॉक एंड ई से एलिजाबेथ मिंसुल. तो उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो थी कैथरीन वुडकॉक. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर. 94 क्वेश्चन, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश. तो पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? इन 1667 में. और इसको रिपब्लिश किया गया था 1674 में विद 12 बुक्स. 95 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, एरोपैजिटिका. इसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को फोर्स किया था. और ये इन्होंने कब लिखा था? 1644 में ये वर्क आया था. 96 क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइसिस बुक. अब इसमें अगर पूछा जाए ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट, तो हम इसमें 10 बुक्स लिखेंगे. लेकिन अगर इसमें ओरिजिनली वर्ड नहीं आता है तो इसमें हम 12 बुक्स लगाएंगे कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 12 बुक्स में लिखा गया है. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन. 97 क्वेश्चन, तो पैराडाइज लॉस्ट जो किस में लिखा गया था? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. 98 क्वेश्चन, द फेमस लाइन व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय. तो ये बहुत फेमस स्पीच है पैराडाइज लॉस्ट की. व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकंक्वेरेबल विल. ये फेमस लाइन है स्पोकन बाय सैटर्न. 99 क्वेश्चन, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद. तो मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो वो किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? लैमेंट, इन्वोकेशन, सोलिलोकी और रिफ्रेन. तो 99 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, इन्वोकेशन. 100 क्वेश्चन, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज. तो मिल्टन किस चीज के लिए फेमस थे? तो मिल्टन वॉज फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल. सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. 101 क्वेश्चन, द वर्ड
that completes the famous line, better to reign in hell than serve in heaven. तो ये सैटर्न ने बोला था कि नरक में शासन करना ज़्यादा अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से. 102 विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, तो विलियम शेक्सपियर जो है किस से बिलोंग करते थे? रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज और रोमांटिक एज. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, एलिजाबेथन एज. और ये एज कब से कब तक रही है? 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज रही है. 103 क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मेलंकली मैन इन एजुलाइकेट. तो एजुलाइकेट 1599 में आया है ये वर्ड, और इसमें मेलंकली मैन किसको बोला गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, जैक्स. जैक्स को मेलंकली मैन बोला गया है. 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एजुलाइकेट. एजुलाइकेट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, ओरलैंडो इज द लवर ऑफ रोजालिंड, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, पोर्सिया इसका कैरेक्टर नहीं है. पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है. 105 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स. तो 14 ब्रास जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के कौन से वर्क में लिया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, हैमलेट. तो हैमलेट का कैरेक्टर है ये 14 ब्रास. हैमलेट जो वर्क है कब लिखा गया था? ये 1600 से लेके 1601 तक लिखा गया था. देन 106 द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज. तो शेक्सपियर के जो सोनेट की जो थीम है वो यहाँ बतानी है. सो 106 क्वेश्चन, ऑप्शन ए लव, बी हेट्रेड, सी इंट्रीग एंड डी एनवी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, लव. 107 अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद द. तो शेक्सपियर का जो सोनेट है वो किससे एंड होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी कपलेट. तो शेक्सपियर के जो सोनेट है उसमें 3 quatrain होते हैं, 4-4 line के स्टेंजा, और लास्ट में एक कपलेट होता है. उनकी जो थीम होती है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एंड देन जी जी. तो इसमें 3 quatrain होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है. 108 द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर. तो शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी 154. तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें 126 उन्होंने अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट किए हैं, नेक्स्ट 26 उन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, और बाद में 2 sonnets उन्होंने लव क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं. सो टोटल 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं. 109 लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? 12th नाइट, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर. सो 109 द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, मैकबेथ. देन 110 क्वेश्चन, इन गाल्सवर्दी जस्टिस द लो इज वाट, इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस सेल्टिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज बीन सेड बाय. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली है? कैशियर, लॉयर, मैनेजर और जज. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, जज. तो गाल्सवर्दी का जो वर्क है जस्टिस, उसमें ये लाइन है जो जज ने बोली है. सो 111 बाय वाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड. तो मिल्टन कौन सी एज में टोटली ब्लाइंड हो गए थे? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, 44. तो 1652 में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और तब उनकी एज कितनी थी? 44. 112 अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड. तो जो सॉन्ग है दुख से रिलेटेड, ये जो सॉन्ग है दैट इज रिटन फॉर द डेड. तो ये सॉन्ग कौन सा है? सटायर, एपिक, एलिजी और ओड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, एलिजी. 113 क्वेश्चन,
ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, तो ऑक्टेव में कितनी लाइन होती हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, 18 लाइन्स। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट कैरेक्टराइजेज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट, तो लेट 19th सेंचुरी का जो एस्थेटिक मूवमेंट है उसके लिए कौन सा यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, आर्ट फॉर आर्ट सेक। 115, स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप एंड एपोड फॉर्म अ थ्री पार्ट स्ट्रक्चर इन अ क्लासिक ओड, ग्रीक कोरस, मेडिवल बैलेड और द पेट्रार्कन सोनेट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, क्लासिक ओड। तो क्लासिक ओड के ही ये तीन पार्ट हैं, स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप एंड एपोड। 116, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो किसने बोला था पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, बुक फर्स्ट के बारे में, कि मिल्टन डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है? सो फ्रैंक करमोड, विलियम एम्सन, C.S. लेविस और विलियम ब्लेक, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, विलियम ब्लेक। नाउ आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमें। 117, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, सो सिमली, मेटाफर, एंटीथीसिस एंड ऑक्सीमोरन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, एंटीथीसिस, जहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट दी होती हैं और आपस में दोनों विरोधाभासी होती हैं, तो वो क्या है, एंटीथीसिस। 118, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, यहाँ भी अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों ही विरोधाभासी हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। 119, लेट्स गो टू बेड नाउ, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन, मिटोनमी, पर्सोनिफिकेशन एंड पन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, मिटोनमी। 120, ह्यूमर इज द शॉक ऑब्जर्वर एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज, तो अंडरस्टेटमेंट, मेटाफर, सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, मेटाफर, क्योंकि ह्यूमर को सीधे यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर मान लिया गया है विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। 121, ब्रिंग, तो देखिए इस तरह के जो यहाँ वर्ड आते हैं, साउंड आते हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, ओनोमेटोपोइया। 112, द फॉलोइंग कोट अकर्स इन लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग अ क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, मिडसमर नाइट ड्रीम, लव लेबर लॉस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, मिडसमर नाइट ड्रीम। 123, क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोट अकर्स इन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, सो 12 नाइट, सिम्बेलाइन, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, सो 123, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। 124, क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये जो लाइन है ये हेमलेट प्ले से ली गई है, तो जब उसकी फादर की डेथ के बाद जो उसकी मदर है हेमलेट की, वो उसके अंकल से मैरिज कर लेती है, तो हेमलेट ये लाइन बोलता है। 125, क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोट अकर्स इन एज कैन नोट विदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटी वैरायटी, तो ये जो लाइन है कहाँ पे बोली गई है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। सो अगर इसकी आपको PDF भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, तो MSTGT PGT इंग्लिश अगर आप वहाँ डाल देंगे तो मेरा चैनल वहाँ पे खुल जाएगा और आप ये PDF वहाँ से ले सकते हैं। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, और अपने फीडबैक्स देना प्लीज़ मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।